आप पांव ही पड़ने पे आओगे फिर मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा भैया, भैया मैं ले लूंगा, भैया मैं ले लूंगा। अच्छा लाओ बाबा, आपकी अर्जी स्वीकार कर लिया। खुश साडा चिड़ियां दा चंबावे बबुल असा उड़ी जाना, साडा चिड़ियां दा चंबावे बबुल असा उड़ी जाना। बस मैं बाद में लेता हूँ भैया, हाँ प्लीज मैं क्विक क्विक जय हो हमारे भैया। अब मैं बाद में दे दीजिएगा, मैं एक बार भजन, समय कम है ना, 5 मिनट का सुन लो भैया, भैया भैया प्लीज, कोई ना 5 मिनट प्रधान जी, कोई ना देखो सब कुछ करने के बाद अगर फेरे ना हुए तो पूरी शादी का क्या फायदा होगा। भैया कब से इंतजार कर रहे हैं। बोले विशाल भाई बस 2 लाइनें बेशक सुना दो, मैं थोड़ा सा ही सुनाऊंगा, मैं खुद समय को बहुत समझ के चलता हूं, और मुझे कभी ऐसा नहीं रहता कि मुझे 2-2, 4-4 घंटे गवाओ, नहीं जी, मैं आपको शुरू में बोल दिया था 2 भजन कम सुन लेना, लेकिन विशाल भाई से जितना सुनना वो दिल से सुनना, बस बोल सच्चे दरबार की। बेबे बेजा मैं ले जाऊंगा, बेबे तो ला ला ला, बस खुश है। देखा जी कितनी आशीर्वाद देती है माए, हाँ जय हो। अरे अरे भैया आप नीचे चले जाओ, जाओ नीचे चले भैया, भजन सुनो थोड़ा। साडा चिड़ियां दा चंबावे बबूल असाई उड़ी जाना, साडी लंबी उडारी वे ओ, साडी लंबी उडारी वे, पता नहीं केड़े देश जाना। सच बताना भगवान ने किस किस को बेटी दी है, एक बार हाथ उठाकर बताना जिनको बेटी दी है भगवान ने। आओ मैंने ये भजन अपनी बहन के लिए लिखा था, आप अपनी बेटी को, अपनी बहन को डेडिकेट करना, मैं अपनी बहन को डेडिकेट कर रहा हूं, सुनिएगा। करोड़ों व्यूज आए हैं, पिछले साल डाला था यूट्यूब के ऊपर, इतना प्रसिद्ध हुआ ये भजन, आज भैया ने जाते जाते बोल दिया, तो थोड़ा सा सुन लो बस। साडा चिड़ियां दा चंबावे बबूल असाई उड़ी जाना, साडा चिड़ियां दा चंबावे बबूल असाई उड़ी जाना, साडी लंबी उडारी वे ओ, साडी लंबी पतानी केड़े देश जाना, सदा चिड़िया दा चंबावे बुरा मत मानना। मैं खुद अग्रवाल परिवार से हूं, मैं कंसल परिवार से बिलोंग करता हूं, कंसल परिवार से हर चीज बड़ी भांति समझता हूं। घर में जब पहली औलाद होनी होती है हर कोई ढिंडोरा पीटता है, माता रानी, श्याम बाबा, हनुमान जी, भोले बाबा, बस मुंडा दे दिए हो। कोई आते जाते भी आशीर्वाद देता है ना, वो यही कहता रब तेनु सोना मुंडा दवे, कोई कहता रब तेनु कुड़ी दवे, कोई नहीं कहता। मगर भगवान ने पहली बेटी दे दी, जब बेटी दे दी एक बार तो माता ठंडका, लेकिन कहता बोले चल कोई ना दूसरी बार बेटा हो जाएगा, भगवान की माया है उसे कौन समझ सकता, दूसरी फिर बेटी पैदा हो गई। और कर, जब घर में 2 बेटियां हो गई वो तो गुस्सा हो गया भगवान से, बोले कमाल करते हो, सारी जिंदगी पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा दहेज उठाऊंगा, अरे ध्यान रखूंगा, बेटी भी जाएगी पैसा भी जाएगा। भगवान की आवाज आई है पागल, तुझे लगता है कि मैंने बेटी देकर तेरा पैसे का नुकसान कर दिया? अरे अगर मैंने तेरा पैसे का नुकसान करना होता, मेरे पास करोड़ों तरीके हैं नुकसान करने के, बेटी दे करके तो मैं तुझे कन्यादान का महापुण्य दे रहा हूं जो सबको नहीं देता, वो तुझे दे रहा।
बेटा भाग्य से मिलता है, बेटी सौभाग्य से मिलती है। और बेटी दो है कि तीन, जिस घर में बेटी है ना, भगवान जब बेटी देता है उसे पालने की औकात साथ में देता है, ऐसे नहीं देता। मैंने बेटियां दो भजन भी लिखा, लड्डू चाली पी के द्वार, लड्डू चाली पी के द्वार, करके चावल की बौछार, लड्डू चाली पी के द्वार, करके चावल की बौछार। मम्मी पापा अब तो आऊं तीज त्योहार, लड्डू चाली रे, लड्डू चाली रे, लड्डू चाली रे, लड्डू चाली रे। मम्मी से ज्यादा प्यार करती है बेटियों के पापा से, बताओ ये बैठे पापा, पापा से जाते हुए पता क्या बोल रही है, अपने पापा को हाथ पकड़ के, पापा सुनो, घर तेरा खूब फले मेरे बाबुल, वो जो चावल डालती है ना, एक एक चावल में लाख लाख खुशियां मांगती है, भगवान जी घर तेरा खूब फले मेरे बाबुल, झोली में तू डाल ले चावल, घर तेरा खूब फले मेरे बाबुल, झोली में तू डाल ले चावल, बाबुल तू मेरे सिर का ताज, बाबुल तू मेरे सिर का, तेरे सिर पे कर लिया राज, बाबुल तू मेरे सिर का, तेरे सिर पे कर लिया राज, तुझ बिन कौन सहेगा नाज। बोले बाबा आप जितने नखरे सह गए दुनिया में और नहीं कोई सह पाए, तुझ बिन कौन सहेगा नाज, लाडो चली रे, लाडो चली रे, लाडो चली रे, लाडो चली। आखिरी लाइन मम्मी का अंतरा छोड़ रहा हूं वरना सारी मम्मियां रोने लग जाएंगी। नहीं, नहीं, नहीं। चलो एक मिनट लगेगा वो भी सुन लो। जाते हुए फिर मम्मी से मिली, आज मैं शॉर्ट में सुना रहा हूं जल्दी जल्दी में, लेकिन अगली बार ये भजन मैं पहले शुरू करूंगा, बोल सच्चे दरबार की। सुनो मम्मी से मिली और मां से पता क्या बोली, ये ले माए घर हुआ तेरा, ये ले माए घर हुआ तेरा, करती रही इसे मेरा मेरा, ये ले माए घर हुआ तेरा, करती रही इसे मेरा मेरा। मैं तो ऐसे कहती थी ये मेरा घर है, ये मेरी किचन है, ये मेरा आंगन है, मेरा नहीं है, ये ले माए घर हुआ तेरा, करती रही इसे मेरा मेरा, अरे ये ले माए घर हुआ तेरा। आप इधर बैठ जाइए, आगे सामने खड़े होंगे तो मैं भजन नहीं गा पाऊंगा। करती रही इसे मेरा मेरा, और मैया बचपन से हम संग थे खेली, बचपन से हम संग थे खेली, एक दूजे की बन के सहेली, बचपन से हम संग थे खेली, एक दूजे की बन के सहेली, कैसे रहेगी माँ तू अकेली, लाडो चली रे, लाडो चली रे, ओ लाडो चली रे। आखिरी बात, लाडो चली, आखिरी बात, पिता के लिए लिखा, माँ के लिए लिखा, आप बताइए जरा इतने जने बैठे हैं रात को 12:30 बजे, कौन सा रिश्ता रह गया सबसे खास? एक भाई बहन का रिश्ता 20-22 साल लड़ते झगड़ते रहते हैं, मगर जब शादी का वक्त आता है ना, वो सबसे ज्यादा वो दूर खड़ा होकर वही रो रहा होता है, वही रो रहा होता है। दौड़ के गई अपने भाई के पास और पता है क्या बोली, शैली क्यों आंखें भर आई, शैली क्यों आंखें भर आई, कर दी रे एक पल में पराई, शैली क्यों आंखें भर आई, कर दी रे एक पल में पराई। रक्षाबंधन का त्योहार सबसे बड़ा है, वादा करके जाना कि रक्षाबंधन के दिन किसी भी भाई की कलाई खाली नहीं रहेगी, वो जरूर शादी के बाद 50-60 साल का भी हो जाए, लेकिन बहन से रक्षाबंधन पर राखी जरूर बंधवाएगा। पता है क्यों? जब भाई जाता है ना बहन के पास,
बहन का सीना चौड़ा हो जाता है कि अगर मैं राजाओं के घर में बिहा कर आई हूं तो महाराजाओं के घर से आई भी हूं। जब कभी तुझको हिचकी आए, जब कभी तुझको हिचकी आए, सोच लेना तेरी याद सताए, जुग जुग जी मेरी माँ के जाए, लाडो चली रे लाडो चली। श्याम बाबा सारे भाई बहनों को माता पिता को मैं बस अरे 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 इतना मान सम्मान कसम से मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, तूने इतना दिया मेरे बाबा। मैं बस एक बात कहना चाहता हूं जाते हुए सारे मंडल वालों से, सुनना आज बेटी पैदा होने का किसी को ये दुख नहीं है कि बेटी पैदा होने से हमें दहेज उठाना पड़ेगा, हमें उसे पढ़ाना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा। बेटी पैदा होने का बस एक ही डर है कि हमने अपनी बेटी को जिगर के टुकड़े को पराए घर भेजना है, पराए देश भेजना है। अगर गलती से भी कभी हमारी बेटी ने वहां जाकर फोन करके ये बोल दिया ना, मम्मी पापा मेरा यहाँ दिल नहीं लगता, वो माँ बाप ना जीने में रहते हैं ना मरने में है। श्याम बाबा आज असंध की धरती पर इनके कीर्तन का अगर कोई फल देना चाहता है, इतनी कृपा कर दे इन परिवारों की बच्चियां जिसके भी